हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। और भाई का नाम है आलोक और भाई आप लोग के लिए ला चुका है एक और लेटेस्ट न्यूज। तो यार ये लेटेस्ट न्यूज़ है नेपोटिज़्म प्रोडक्ट को लेकर, यानी कि एक और नेपोटिज़्म की बॉलीवुड में डेब्यू की खबर आ रही है। तो यार ये नेपोटिज़्म प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं करण जौहर, यानी कि करण जौहर ही एक और नेपोटिज़्म को लॉन्च करने वाले हैं। और ये नेपोटिज़्म होने वाले हैं संजय कपूर, यानी कि 90 दशक के एक्टर की बेटी यानी कि स्नेहा कपूर का बॉलीवुड डेब्यू का खबर आ चुका है। यानी कि एक और नेपोटिज़्म प्रोडक्ट आ रही है। तो टाइगर श्रॉफ की फिल्म से डेब्यू करेगी संजय कपूर की बेटी स्नेहा कपूर। बता दें टाइगर की अपकमिंग फिल्म स्क्रूप ढिल्ला के प्रोजेक्ट में काम मिल चुका है स्नेहा कपूर को। और फिल्म में पहले स्नेहा कपूर को नहीं लिया गया था, पहले फिल्म में रश्मिका मंदाना को कास्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद करण जौहर ने रश्मिका मंदाना को लात मार दी। उसके बाद प्रोडक्ट ला रहे हैं करण जौहर, यानी कि नेपोटिज़्म प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं करण जौहर। और रश्मिका मंदाना को साइड कर दी है फिल्म से। और फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पे संजय कपूर बेटी स्नेहा कपूर को ले लिए हैं करण जौहर। तो स्क्रूप ढिल्ला जो कि अपकमिंग फिल्म रहने वाला है 2023 का, टाइगर श्रॉफ एक्शन करते हुए नज़र आएंगे इस फिल्म में। तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहेंगे वो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। इसी तरह लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं बॉलीवुड से टॉलीवुड से, तो भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।